हेलो इवरीवन, आज है 15 जून 2020 और आज से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो यह वीडियो आप पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? तो अभी सऊदी अरब ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं? तो अभी अमेरिका ने 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना खादी मॉल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी पंकज त्रिपाठी पटना खादी मॉल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला खाद्य वन किस जिले के अट्टापट्टी आदिवासी बेल्ट में तैयार किया गया है? तो अभी केरल का पहला खाद्य वन पलक्कड़ जिले में तैयार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पलक्कड़। अगला क्वेश्चन है, विश्व पवन दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पवन दिवस के रूप में 15 जून को मनाया जाता है और 8 जून को मनाया जाता है। और इसमें अगला है, 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे और 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे और 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 खारिज कर दी है? तो अभी भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट खारिज कर दी है, 2019 खारिज कर दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस झील का पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? तो अभी महाराष्ट्र की लोनार झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि तीन और झीलें हैं, लोकटक झील जो कि मणिपुर में है और पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है, और कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन लोनार झील सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी कैजाद भरूचा को HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, कैजाद भरूचा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है और 12 जून को विश्व बाल श्रमिक खिलाफ दिवस मनाया गया है और 5 जून को क्या मनाया गया है? 5 जून को मनाया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो अभी महाराष्ट्र राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। तो यह इस वीडियो में आपको 15 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे डिस्कस किया गया। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।